क्या वजूहात भी होती हैं और बेसिक वजह क्या होती है? सुमैया, स्ट्रेस फैक्टर्स हैं दो तरह के। एक वो जो मॉडिफाइबल नहीं होते, यानी वो जिनके लिए आप खुद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और वो मॉडिफाइबल जिनमें आपका आपके अपने लाइफस्टाइल का कुछ एलिमेंट मौजूद होता है, ठीक है। जो नॉन मॉडिफाइबल में है उसमें सबसे ऊपर आता है लेट एज मैरिज और लेट एज में फर्स्ट बेबी का बॉर्न होना, यानी अगर 35 साल के बाद आपके पहला बच्चा पैदा हो रहा है तो 30-35% ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए। फिर आता है लेट एज में शादी का होना, फिर आता है ब्रेस्ट फीडिंग का ना कराना। अब वो चाहे फैशन के तौर पे ना कराया गया हो या किसी और जेन्युइन वजह भी होती है, उस पर नहीं कराते लोग तो वो समझ आती है, लेकिन बिला वजह ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना जो है वो बच्चे और माँ दोनों की सेहत के लिए बहुत डेंजरस है। उसके बाद आ जाता है पीरियड्स का जल्दी शुरू हो जाना और देर से ख़त्म होना, वो एक लंबा अरसा होता है। फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बाज़ लोग करते हैं कि बेबी नहीं हो रहा, या यू नो मेनोपॉज के बाद थेरेपी होती है वाली, या और दूसरे डिजीज़ के लिए लिए जाते हैं, अगर वो एक लंबे के लिए दे दी जाएँ तो वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह बन जाती हैं। फिर फैमिली में अगर ब्लड रिलेशन में है, माँ को है, बेटी को होने के फिर वही 40-50% के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लड और हमारे यहाँ क्योंकि कज़न मैरिजेस का भी रिवाज है तो वो फिर ब्लड रिलेशन ओवरवेट होना भी एक वजह हो जाती है। ओवरवेट होना, एक्सरसाइज का ना करना, नींद का पूरा ना हो, स्ट्रेस्ड आउट रहना, यू नो स्ट्रेस्ड आउट हर डिजीज़ को एक वो करता है, इन्हेंस करता है, तो ब्रेस्ट कैंसर को भी करता है। फिर डाइटरी फैक्टर्स हैं, लाइफ स्टाइल है हमारी जिसके अंदर जो है वो जंक फूड बहुत ज़्यादा है, ये वो चेंजेस हैं। इसीलिए सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो अर्ली डिटेक्शन क्यों कर पाता है कि ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं, आपको ना किसी डॉक्टर के पास जाना है, ना मेमोग्राफी, ना अल्ट्रासाउंड, यू जस्ट एग्जामिन योर सेल्फ और इनमें से कोई भी आपको सिम्टम्स मिलता है और साथ में गांठ भी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ऑल्दो हर गांठ कैंसरस नहीं होती। नहीं तो ये जो लंप की हम बात करें, ये पेन होता है या पेनलेस लंप होता है ना सुमैया? यही तो सबसे इसकी खास बात है कि पेनलेस लंप होता है, इसलिए इग्नोर्ड होता है, इसलिए हमारी खवातीन आप क्योंकि इस मीडिया में डे टू डे लोगों से बात करती हैं, आपको पता है खवातीन जो है वो सेहत को बिल्कुल आखिर में अपने इम्पोर्टेंस देती हैं, और जब छोटे मोटे पेन तो यूं ही निकल जाता है ना, पेन किलर खा लो, तो बिल्कुल तो ये पेनलेस लंप होता है, इसलिए जो है वो इसको इग्नोर कर दिया जाता है। पेन उस स्टेज में होता है जब बहुत लेट स्टेज हो जाती है, इसीलिए जो है वो फिर ट्रीटमेंट के काबिल नहीं रहता। तो अवेयरनेस देने का मकसद यही है कि जब शख्सी मुआयना करेंगे तो आसानी से चीज़ अर्ली फेज पर डिटेक्ट हो जाएगी। एंड आई वांट टू टेल यू फ्रॉम दिस फोरम, एंड हर जगह जाके मैं बताती हूँ कि ये कम्प्लीटली क्योरेबल कैंसर है, राइट, जिसका पूरा इलाज मौजूद है। अच्छा, लेकिन लेकिन यहाँ पर ये सवाल कि कौन सी स्टेज है ब्रेस्ट कैंसर की जहाँ पर ये क्योरेबल है, जिसका यहाँ पर हम काबू पा सकते हैं? ये हर उस स्टेज तक क्योरेबल है जब तक कि ये ब्रेस्ट में लोकेटेड है, अंटिल अनलेस कि ये कहीं पर बॉडी में और स्प्रेड नहीं हो गया, और जो काफ़ी लेट में जा कर के होता है, इवन थर्ड स्टेज तक भी देखा गया है कि लोकलाइज रहता है। तो अगर जितना जल्दी, एक बात मैं और समय ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ क्योंकि डिफरेंट अल्टरनेट मेडिसिन का बड़ा हमारे यहाँ रुझान है ना, यू नो हकीम के पास चले जाएँ, होम्योपैथ दिखा दें, इवन तावीज़ करा लें, ये सब करा लें, ये बहुत हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। बिल्कुल सही, तो ये चीज़ें टाइम जो है वो जो जिस टाइम पर डायग्नोज होना चाहिए वो ज़ाया हो जाता है, किल कर देती हैं ये चीज़ें, और जब बाय द टाइम डॉक्टर के पास पहुँचती है औरत तो वो ट्रीटमेंट के काबिल नहीं रहता ये मर्ज़।